बच्चों, मैं कंचन कछुआ आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा चौथी विषय हिंदी की कविता नंबर 4 जो भी चीज पूछा ले ऊपर इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। किंतु किसी भी कविता को पढ़ने से पहले हमें उस कविता के कवि के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। इस कविता के कवि है रविंद्र कुमार राजेश। हम संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं कवि के बारे में। कवि का जन्म 11 फरवरी 1958 को पटना बिहार में हुआ था। वे एक जनवादी नाटककार थे। उनकी प्रमुख नाटक आंबेडकर और गांधी, हवन कुंड, शुदी आदि है। अब हम चलते हैं हमारी कविता की ओर। हमारी कविता का शीर्षक क्या है? जो भी चीज उछाले ऊपर। बच्चों, आपको इस शीर्षक को पढ़ने के बाद कुछ याद आ रहा है? हाँ, हम साथ सभी बच्चे क्या करते हैं? खेलते हैं। सभी को खेल खेलना बहुत पसंद है और हम गेंद से भी खेलते हैं। जब भी हम गेंद को आसमान की ओर ऊपर उछालते हैं तो वो गेंद क्या है? सीधा जमीन की ओर वापस आती है। आप सभी को पता है कि ये गेंद नीचे वापस क्यों आती है? नहीं ना? तो आज हम इसी संबंध में इस कविता में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम हम कविता का गायन करेंगे, तत्पश्चात उसके भावार्थ को समझेंगे। जो भी चीज उछाले ऊपर क्यों नीचे ही आती, कभी नहीं क्यों ऊपर जाकर ऊपर ही टिक जाती। बहुत खोज की इस रहस्य की तब न्यूटन ने जाना, अपनी ओर खींचने की है शक्ति धरा में माना। गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरा में जन जन को समझाया, न्यूटन ने विज्ञान जगत में अपना नाम कमाया, अपना नाम कमाया। सर्वप्रथम हम हमारी इस कविता की 4 पंक्तियों के भावार्थ को समझेंगे। जो भी चीज उछाले ऊपर क्यों नीचे ही आती, कभी नहीं क्यों ऊपर जाकर ऊपर ही टिक जाती। इस कविता की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम किसी भी चीज को जब ऊपर की ओर उछालते हैं तो वो चीज वापस नीचे आती है। क्यों नहीं वो ऊपर जाकर ऊपर ही टिक जाती? टिक का अर्थ क्या होता है? कि जब ही ठहरना या रुक जाना। अब यह कवि के मन में प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। अब आगे की पंक्तियां देखते हैं। बहुत खोज की इस रहस्य की तब न्यूटन ने जाना, अपनी ओर खींचने की है शक्ति धरा में माना। अर्थात जो प्रश्न उत्पन्न हुआ उस पर क्या हुई? बहुत खोज हुई और खोज करने के पश्चात रहस्य, रहस्य का अर्थात गुप्त बात जो कि किसी को भी पता नहीं थी, उसके बारे में न्यूटन ने जाना। और फिर क्या हुआ? उन्होंने बताया कि अपनी ओर खींचने की शक्ति किसमें है? धरा अर्थात धरती में है। अब इस कविता में हम न्यूटन का नाम देख रहे हैं। क्या आप सभी जानते हैं न्यूटन कौन है? हम सर्वप्रथम न्यूटन के संबंध में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। न्यूटन यह इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक थे। इतना ही नहीं तो वे गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक, दार्शनिक एवं ज्योतिषी भी थे। साथ ही साथ न्यूटन का जन्म पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन था। उनका जन्म 25 दिसंबर 1642 को लंकशायर इंग्लैंड में हुआ था। न्यूटन को जन्म से ही पढ़ाई में अत्यधिक रुचि नहीं थी, लेकिन वे गणित विषय में अधिक रुचि रखते थे। इतना ही नहीं तो खगोलीय पिंडों और ग्रहों की ओर उनका ध्यान आकर्षित होता था। साथ ही साथ सूरज की किरणें जो जमीन पर आती है उस किरणों के संबंध में भी उन्हें आकर्षण उत्पन्न होता था कि सूरज इतना दूर है फिर भी उसकी किरणें जमीन पर कैसे आती है। और इसी तरीके से न्यूटन ने इस तथ्य की खोज की कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द गोलाकार नहीं घूमती बल्कि वह अंडाकार रूप में घूमती है। और ऐसी ही कई अनेक बातों पर रिसर्च चल रही थी तभी अगस्त 1665 में उन्हें उनकी डिग्री प्राप्त हुई। और उसके कुछ ही दिनों के पश्चात शहर में प्लेग की भीषण महामारी फैल गई। और जब बीमारी ने भीषण रूप धारण कर लिया तो विश्वविद्यालयों को बंद करने की घोषणा की गई
और तभी जब लौटते समय न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तभी एक सेब उनके सिर पर आ गिरा। न्यूटन सोचने लगे कि यह सेब उनके सिर पर ही क्यों गिरा, ये इधर उधर या ऊपर की ओर क्यों नहीं गिरा। इस प्रश्न की खोज करने की उन्होंने स्वयं ठानी और कई समय वर्षों तक उन्होंने खोज किया और खोज करने के पश्चात उन्होंने यह बताया कि धरती में गुरुत्वाकर्षण बल नामक एक शक्ति है जो किसी भी चीज को अपनी ओर खींचती है। अब उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जिस प्रकार से ये चुंबक है और यह लोहे की कील है, क्या होता है जब इस चुंबक को लोहे के पास लाते हैं तो क्या होता है, देखो चुंबक को क्या हो रहा है, यह कील चिपक रही है, यानी वो चुंबक इसे आकर्षित कर रहा है। तो ठीक उसी प्रकार ऐसी ही एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमारे जमीन में है, धरती में है, जो ऊपर फेंकी हुई चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चंद्रमा पृथ्वी के और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और इसी वजह से जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी के केंद्र में पाया जाता है और उसी कारण से पृथ्वी सीधा किसी भी चीज को अपनी ओर खींचती है। उन्होंने यह भी बताया कि यह बल दूरी बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है। पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर कितनी तीव्र गति से खींचती है यह उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर होता है। अब यह द्रव्यमान यानी क्या है, तो द्रव्यमान अर्थात किसी भी चीज में पदार्थ की मात्रा अर्थात उस वस्तु का द्रव्यमान होता है। जैसे कि मान लीजिए उदाहरणार्थ यह डस्टर, अब इस डस्टर में लकड़ी इस पदार्थ का इस्तेमाल किया गया है। इस डस्टर को बनाने में लकड़ी की मात्रा कितनी लगी, यह क्या है, इस डस्टर का द्रव्यमान है। साइकिल से लेकर हवाई जहाज चलाने तक जिन गति के नियमों का उपयोग किया जाता है वो गति के नियम सर आइजैक न्यूटन ने ही दिए हैं और भौतिक विज्ञान में इन नियमों का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है, या यूं कह लें कि भौतिक विज्ञान इन तीन नियमों के पर ही आधारित है। तो इस प्रकार न्यूटन ने खोज करके गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सारी दुनिया को बताया और ऐसे ही उन्होंने कई प्रकार के खोज की है। तो आपको न्यूटन के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे कि न्यूटन कौन थे और उन्होंने क्या हमें बताया है। अब चलते हैं हम हमारी कविता की ओर। बहुत खोज की इस रहस्य की तब न्यूटन ने जाना, अपनी ओर खींचने की है शक्ति धरा ने माना। रहस्य अर्थात गुप्त बात, अर्थात न्यूटन ने बहुत खोज की और खोज करने के पश्चात ऐसा रहस्य जो कि दुनिया ने किसी को पता नहीं था, तब उन्होंने यह बताया कि अपनी ओर खींचने की शक्ति अर्थात ताकत धरा अर्थात धरती जमीन इसमें है कि वो अपनी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरा में जन जन को समझाया, न्यूटन ने विज्ञान जगत में अपना नाम कमाया। गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी गुरुत्वाकर्षण बल जमीन में है, ये किसने कही, यह जन जन को यानी सारी दुनिया को न्यूटन ने बताया और इस तरीके से अपने खोज के माध्यम से विज्ञान जगत में न्यूटन ने क्या किया, अपना नाम बहुत विख्यात किया, अपना नाम कमाया। तो आपने सभी ने जान लिया कि न्यूटन ने क्या किया, एक साधारण सी घटना एक सेब गिरने की घटना से उन्होंने क्या किया, दूरदृष्टि से यानी खोज की और इस तरीके से एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक उसी तरीके से बच्चों हमें भी जीवन के प्रति दूर का दृष्टिकोण रखना चाहिए। अब हम हमारी इस कविता के शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ अर्थात वर्ड मीनिंग। रहस्य सीक्रेट, रहस्य सीक्रेट। न्यूटन अ साइंटिस्ट नेम, न्यूटन अ साइंटिस्ट नेम। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स। अब पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द, शक्ति ताकत या बल, शक्ति ताकत या बल। जगत संसार जग, जगत संसार जग। धरा पृथ्वी धरती, धरा पृथ्वी धरती। तो आशा करती हूँ कि आप
आपको यह कविता बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद।